दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, 6 बार के सांसद, मोदी पार्ट 3 की सरकार के अंदर स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री। हमेशा कुछ नया करने के लिए, कुछ नया कहने के लिए, कुछ अटपटी बात बोलने के लिए जाने जाते हैं। अब हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो चुका है, चुनाव का परिणाम आ चुका है। चुनाव परिणाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक बन चुकी है हरियाणा के अंदर, यानी कि बीजेपी सत्ता में तीसरी बार वापसी कर रही है। लेकिन नेताजी के बयान अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं। नेताजी राव इंद्रजीत सिंह, जो मैंने आपको बताया था 6 बार के सांसद और मोदी पार्ट 3 की सरकार में लगातार तीसरी बार स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा की राजनीति में और इसके साथ साथ हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम है। अब उन्होंने कह दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री, नाम तो नहीं लिया मनोहर लाल जी का, लेकिन ये कह दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बहुत खराबा किया। राव इंद्रजीत सिंह ने कह दिया कि बिना नाम लिए मनोहर लाल खट्टर जी का, ये कहा कि मनोहर लाल ने, यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके लिए कहा कि नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने खराबा किया, नए नए नेता बना दिए। आप सुनिए क्या कह रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री साहब से हुआ करते थे, नाम नहीं लूंगा, सबको पता है। तो उन्होंने जितना 10 साल के अंदर हमारा खराबा किया है, हमारे के अंदर विघ्न डालने की कोशिश करी है, आपस में लड़ाने की कोशिश करी है, नए नए नेता बनाने की कोशिश करी है, जो खुद नेता नहीं बन पाए थे आज तक, वो हमारे जो मतलब जितने 40 साल का परिश्रम था उसके अंदर विघ्न डालने की कोशिश कर रही है, वो सही हो गया। जनता ने जवाब दिया, जनता ने जवाब दे दिया है, तो मैं समझता हूँ पार्टी इस बात का भी संज्ञान। राव इंद्रजीत सिंह, दक्षिण हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ, और या ये कह दें कि उनकी बेटी आरती राव की जो चुनाव जीती, उसके बाद में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को संबोधित किया। उस संबोधन के दौरान, बैठक के दौरान नारे लगे राव इंद्रजीत सिंह के मुख्यमंत्री होने के नाते, भाई राव इंद्रजीत सिंह भावी मुख्यमंत्री, इस प्रकार के नारे लगे। राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनके दिल के अरमान है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां, हरियाणा की राजनीति के ये दो ऐसे नाम है कि जिनको मुख्यमंत्री बनने की बड़ी जिज्ञासा, बड़ी इच्छा, बड़ी कामना, बड़ी अभिलाषा, लेकिन दोनों का दाव नहीं लगा। राव इंद्रजीत सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में आजकल हैं, कांग्रेस से आए थे, और कांग्रेस से ही आए थे चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां, आकर के वापस चले गए कांग्रेस में। दोनों में ये दो असमानताएं हैं, और एक और असमानता है दोनों के अंदर। दूसरी असमानता ये है कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी इस चुनाव मैदान में थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आरती राव अटेली विधानसभा से, अंत में चुनाव जीत गई, यही कहूंगा बस। और दूसरी तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे, बांगर चौधरी के बेटे ब्रजेंद्र सिंह, वो अंत में चुनाव हार गए, ये और असमानता है एक। खैर, मैं बात कर रहा था राव इंद्रजीत सिंह की। राव इंद्रजीत सिंह कह रहे थे कि हमने दक्षिण हरियाणा के अंदर पार्टी के चेहरे बदले। दक्षिण हरियाणा के अंदर, खासकर अहिरवाल की बात करें, उसके अंदर साइबर सिटी कहूँ, मिलेनियम सिटी, गुरुग्राम को साथ जोड़ लें, तो फिर 11 विधानसभा की सीटें, 11 विधानसभा की सीटों में राव इंद्रजीत सिंह ने कई नए प्रयोग करवाए, कई प्रत्याशियों के टिकट काट दिए, यानी कि जो विधायक थे और उनके स्थान पर नए चेहरे आए। राव इंद्रजीत सिंह ने नए चेहरों को टिकट दिया। आपको ये भी जरूर ध्यान होगा कि जब महेंद्रगढ़ में टिकट कट रहा था पंडित रामविलास शर्मा का, तो राव इंद्रजीत सिंह ही गुस्सा भी हुए थे, उनका जो नॉमिनेशन करवाने के लिए भी वही गए थे और आंसू पोंछने भी गए थे। खैर, मैं बात कर रहा था आपसे टिकट वितरण की, आपसे कह रहा बता रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह ने जो बताया, राव इंद्रजीत सिंह अपने संबोधन में कह रहे थे कि वो नए युवाओं को, नए चेहरों को राजनीति में बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। राव इंद्रजीत सिंह कह रहे थे कि बाबल का टिकट, आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर बनवारी लाल वहां पर 2 बार विधायक बने और दोनों बार सरकार में, पहली बार राज्य मंत्री और दूसरी बार कैबिनेट वजीर हुए। राव इंद्रजीत सिंह के कभी खासम खास में हुआ करते थे बनवारी लाल। दूसरी बार विधायक बनने के बाद उनका मन जो था
वो डोला और उनका मन पार्टी आलाकमान मनोहर लाल उनकी तरफ ज़्यादा गया। और बताते हैं कि सबको देखते हुए बनवारी लाल जी का टिकट कटा और टिकट मिला डॉक्टर कृष्ण कुमार को। डॉक्टर कृष्ण कुमार हेल्थ डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य विभाग के अंदर डायरेक्टर थे, उससे पहले रेवाड़ी में, फरीदाबाद में वो सिविल सर्जन रहे हैं। पूर्व विधायक चौधरी राम रतन के दामाद हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार। तो डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट मिला। और आपको बता दें, जिन लोगों के टिकट बदले गए, जिनको टिकट मिले, रेवाड़ी का टिकट मिला लक्ष्मण यादव को, जहाँ से वो पहले विधायक थे वहाँ से उनका टिकट काटा गया और उनको भेजा गया कोसली से रेवाड़ी। लोगों ने कहा कि बड़ा प्रयोग हो गया, ये तो बड़ा गलत हो गया, लेकिन लक्ष्मण यादव बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। कोसली के अंदर एक नया प्रयोग किया, अनिल डहीना, अनिल यादव को टिकट दिया गया। जब अनिल यादव को टिकट मिला, राव इंद्रजीत सिंह के खास हैं अनिल डहीना, जब टिकट मिला तो लोगों ने उस पर तरह तरह की बातें की, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो कोसली से अनिल यादव, अनिल डहीना भी बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। यहाँ पर टिकट बदला गया महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा का, उनकी जगह कंवल सिंह को टिकट मिला। यहाँ पर राव साहब की कितनी भागीदारी थी, कितनी नहीं थी, नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ का परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, कंवल सिंह यादव चुनाव जीत गए। पटौदी का टिकट बदला भारतीय जनता पार्टी ने, और राव इंद्रजीत सिंह की पसंद बिमला चौधरी, जो 2014 से 19 तक विधायक थी, 2019 के चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट बदला और मनोहर लाल की कृपा से सतप्रकाश जलावता आई। अब की बार राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी भ्रकटी टेढ़ी की, इधर सत्यप्रकाश जलावता का टिकट कट गया और बिमला चौधरी को फिर टिकट मिला। ये प्रयोग भी कामयाब हुआ, बिमला चौधरी जीत गई। उसके बाद में अगर अगला नाम मैं आपको बताऊं तो फिर गुरुग्राम के लिए मुकेश शर्मा, सुधीर सिंगला यहाँ के विधायक थे, उनका टिकट कटा और मुकेश शर्मा को मिला, बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। अगला नाम कहूँ तो फिर बादशाहपुर, हालांकि राव नरवीर सिंह आंखों के तारे तो नहीं है राव इंद्रजीत सिंह के, राव नरवीर सिंह को टिकट मिला, राव नरवीर सिंह भी चुनाव जीत गए। अगर अगला कहेंगे तो अटेली विधानसभा सीट, अटेली के विधायक का टिकट कटा और उनके स्थान पर राव साहब की बेटी आरती राव, शूटर बेटी, चुनाव मैदान में आई, आरती राव भी चुनाव जीत गई। और जो सबसे प्रमुख बात हुई, अहिरवाल की ये 10 सीटें जीते भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, लेकिन जो प्रमुख बात हुई, एक विशेष सीट जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी हार गई, वो है नांगल चौधरी। नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, सेवानिवृत्त नौकरशाह, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, मनोहर लाल के नवरत्नों में शामिल थे, वो टिकट लेकर के आए, उनको टिकट मिला, लेकिन यहाँ डॉक्टर अभय सिंह यादव चुनाव हार गए और चुनाव जीत गई मंजू चौधरी। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह एक संदेश देना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि मनोहर लाल जी ने नए नए नेता बना दिए, राजनीति में नए नए प्रयोग किए, नई नई बातें की, और आप ये कहें तो उन्होंने बिना नाम लिए, उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह ने मनोहर लाल पर तीखे व्यंग बाण भी छेड़े। अभी राजनीति है, क्योंकि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर चयन होना है, नया मुख्यमंत्री हरियाणा को मिलने वाला है। ओबीसी समाज से आते हैं नायब सिंह सैनी, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में शेयर की आपके साथ बात, नायब सिंह सैनी खुद कह रहे हैं कि पार्टी संसदीय दल बैठेगा, विधायक दल बैठेगा, हालांकि ये सारी प्रोसेस है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह जो राग छेड़ रहे हैं, सारे राग के पीछे आखिर राज कौन सा है? राव इंद्रजीत सिंह ने जो राग छेड़ा मनोहर लाल खट्टर को लेकर के, इसके पीछे कौन से राज छुपे हुए हैं, अब देखना उनको जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है, राव इंद्रजीत सिंह जो कह रहे हैं कि उन्होंने नए नए नेता बनाए, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उन्होंने अहिरवाल के अंदर अब की बार फिर से एक बार राजनीति की नई परिभाषा कर दी, क्योंकि नए नए चेहरे लेकर के आए? राव इंद्रजीत सिंह जो कह रहे हैं खासकर मनोहर लाल के बारे में, आप उस बात से कितना सहमत हैं? और क्या हरियाणा के अंदर राव इंद्रजीत सिंह की लॉटरी लग सकती है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।